हमारे टीवी चैनल ओटीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं ना सोशल वो डाल रही हूँ हमारे साथ, बोले ना भाई नदीम भाई क्या बनी नहीं आप बताएं कि अभी सुबह आते ही इनके ऊपर नूली के और अली खान के का जो है सत्री है मेरे गले में आगे पड़े होकर जबरदस्ती वोट कहने के नूली को डलवाए। एसएन नाम है उसका, एसएन जो है उसका सेक्रेटरी इधर आ, मेरे पास ये वीडियो भी मौजूद है और लोगों के पास मुझे मौजूद है। गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये देखे कह रहे मैं एसपी को बुलाता हूँ। हाँ डालिया डाले कह रहे ये मैं खड़ी हुई हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर कैंट करदाल लाइन पर। यहाँ पे काफी इशू हो रहा है कि यहाँ पे जो अलीम खान के लोग हैं जो अब लोटे बंगे में वो आके हमारे पोलिंग स्टेशन पर लोग बैठे हुए उन लोगों को तंग कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। हमारे यहाँ के इलेक्टेड जनरल काउंसिलर है नदीम साहब, उनके से बहुत बदतमीजी की, उनका गिरेबान पकड़ा है। तो प्लीज इस पे हमें इन्हीं ये वीडियो बना के कर डाल रही हूँ, आकर इनकी हेल्प करें और यहाँ पे लोगों को बताएं। दस दस जान सार खान साहब देना हर पोलिंग स्टेशन दे इंशाल्लाह पैरा देंगे। इस बार न्यूट्रल नूं भी पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी आवाम इज्जत करती सी ते इन्हां को करानी है। जे इन्हां दे तुसीं वोट दी हिफाजत नहीं करनी चोरां नूं साडे ते मसल्लत करना ते असीं भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, श्री लंका दा हाल होएगा, तैयार हां असीं जी इंशाल्लाह। जे अगर इन्हां ने धांधली कीती ते इंशाल्लाह फिर साडे वास्ते कोई न्यूट्रल नहीं, कोई चोर नहीं, किसी का कोई जनाब नहीं है। साडे हत्थ होणगे ते उन्हां दे गिरबान होणगे इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। जरदारी जरा सिंध का सब तो वाडा डकेत आ, ये डाकू ये डकेत कहता जी मैं बिलो राणी अपनी जिंदगी चाहना वजीर आजम बन जाए। मैं उन्होंने मशुरा दिना खुसरे को चंगा जहा मौत का खूह बना दे। फैसलाबाद का वी आई पी महक मलक जनाना जिहड़ा ने अपनी भैन दे शादी तेल मेहंदी दे बुलाया सी, बेहतरीन वी आई पी मुजरे करता उन्होंने अपना हैड रख लवे। ठीक है जी, ये बेहतरीन मशवरा यही है कि मौत का खूह बना लवे, यदा रोजगार चलता रहे, क्योंकि पूरी 22 करोड़ आवाम की जी इन्होंने दौलत हराम की लुटी आ, उन्होंने इन्हों का मन नहीं भरिया। शायद अल्लाह करे मौत की खूह की कमाई ना इन्हों का मन भर जाए। ठीक है जी, देखो पिछली बार अजमल चीमा आजाद उम्मीदवार थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहना मैं 100 फ्लैक्स गिफ्ट की, लेकिन जो काली करतूत सामने आई असी आख्या जे तू जट्टे ते असी भी जट्टे, मैदान च निकले वेखी आऊगी जे तेरी मुछ रही होगी जे साडी मुछ रही होगी। और इंशाल्लाह इमरान खान दे लई जान भी देनी पई ते ओह भी देण नूं तैयार है। पीपल पार्टी ते नून लीग ए दोवें पार्टियां चोर हैं, कम अस कम मैं सारियां पार्टियां नूं वोट पा के वेखण, सिर्फ वाहद एक लीडर है जिहड़ा इमरान खान है। साडी जान साडा मान इमरान खान और साडी शान, साडी शान पीटीआई जिंदाबाद। दो गंदे एक शैतान, दो गंदे एक शैतान, दो गंदे एक शैतान। मेहरबानी है सब लोग इमरान खान वोट पाओ और अच्छा बंदा वे पक्ष में। मैं तो ये कहना जी इन्हां सारयां नूं जिन्ने भी हैगे आ लोटे इन्हां सारयां नूं बन्ह के समुंदर च सुट दिओ, कोई भी वापस ना आवे, मुल्क साडा साफ हो जाए। इमरान खान एक मुल्क लोटिया को साफ कराने वास्ते आया, एक करप्शन करते लोग आवाम इन्होंने इन्ना दलील किया बहुत ज्यादा। इमरान खान साडा एक इदा लीडर है, सानू दोबारा नहीं मिलना है लीडर, इस राल का लीडर ना आया तो ना होना। यह पाकिस्तान का एक बेहतरीन लीडर है, मैं सारे मुसलमानों और पाकिस्तान की आवाम पैगाम है कि इस लीडर की खातर जो भी करना पवे करो, जान भी देनी पवे तो जान भी दो। ए तुसी जिहड़ा जलसरी जगह रखी है ए तुहाडी छोटी नहीं पै गई जगह, जिस तरह आवाम बहुत छोटी है जी, इधर भी आवाम है इधर भी आवाम बहुत ज्यादा आवाम है। की तुसी 17 जुलाई नूं परसों जिहड़ा इलेक्शन आ वोटां पाओगे आप ते लोगों नूं भी कढूंगे घर इंशाल्लाह, असीं अपने रिश्तेदारां नूं भैण भरावां नूं भी असीं सारयां नूं लै के आवांगे। वोट बल्ले नूं दिओ, मोर बल्ले ते लाओ, बल्ला पाकिस्तान दा एक किस्मत बदलण वाला इंसान इमरान खान।
अपना गवर्नमेंट इन्हों की नून लीग की अगर इन्होंने धांधली करने की कोशिश की अपनी वोट की हिफाजत कर पाओ इंशाल्लाह डट के मुकाबला करा जान भी देनी पी दवांगे ये इन्होंने भारी रखी ही आ उत्तों तो ये चोर है सरदारी का ढिड फाड़ के पैसे कढ़ूंगा पेट फाड़ूंगा वो कह नवाज शरीफ खंबे ना लटकाऊ जो चोर कट्ठे हो गए इमरान खान ही बिके आ चुकिया ना गोरियां दे अगे ना यूरोप दे अगे इमरान खान जिंदाबाद असी एक एक वोट जरा अपने जे बंदे बाहर जाने से वो रोके है जेडे दुबई जाने थी उन्होंने रोके आके वोट पा के जाना साडे इलाके चीमे ने होर कुछ नहीं किया सिर्फ नजायज केस किए जेड़े कमजोर बंदे थे उन्होंने थाने से जेड़े अमीर बंदे थे जेड़े सिफारशी लोग से उन्होंने ये गल सुनता थी जेड़े कमजोर बंदे उन्होंने गल नहीं सुनते जिन्हें भी एक साढ़े केस हो सारे ये दो नंबर केस हो सर मैं ये कहना चाहता एक साइड से कला शेर इमरान खान खलोता दूसरी साइड से 40 जमात खलोतिया वा दुनिया का पूरी का मीडिया चैनल खलोता वा साढ़े पिंड केंद्र केंद्र जो थाना इलाके के चोर कट्ठे हो जाए ना एक जगह से उदो समझ लो कि इमानदार जरा थानेदार इमानदार आ गया यही मिसाल पाकिस्तान की आ जो तुम देख लिया कि इमरान खान कला खलोता एक बने सारे चोर पाकिस्तान का जरदारी तो लैके नवाज शरीफ तक खलोता तुम समझ लो कि बंदा इमानदार आ गया। हाँ जी बजुर्गो तुम इतने आए हो अपना अज इमरान खान ने आना इलेक्शन हो रहा PP 97 अली अफजल साई वाला तुम वोट पा रहे हो बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर पावांगे फैसलाबाद तो इतने आया तो किसी ने मैनू कहा नहीं कि आओ अपनी मर्जी नाल आया तो आम सिक्योरिटी गार्ड आ उसके बावजूद मैं आया इसलिए कि एक बंदा तुसी खुद ही अंदाजा लगा सकते जे कि इन्नी दुनिया जी आ गई है एक बंदे दे नाल ते दूसरी साइड से किनिया ताकत ने और दूसरी गल है कि महंगाई जी सारे ने देख लीए कि इन्नी महंगाई शायद असी अपनी हयाती च नहीं देखी और ये एक बारी नहीं जिस वक्त 20 रुपए लीटर पेट्रोल सी और उस वक्त पैसों से पेट्रोल वादा रहा जबकि इन्हें आके तो 20 से 25 रुपए भी किया तो मैं मोटरसाइकिल बेच दी और अज भी उ चीज है कि कितने 150 रुपया 150 से 250 रुपया कर दिता कभी जिंदगी चेसना मैं नहीं देखा कि इन्ना महंगा काम होया हो इन्नी महंगाई हुई हो डबल मकसद हम साइकिल तो मजबूर हो गए बंदा तो साइकिल भी कहना सस्ता है वो भी महंगा हो गया सिर्फ इन करतूतों की वजह तो ये लोग जड़े ने करप्ट लोग ने सारा सरमाया इन्ना बाहर कढ़िया फिर मेन चीज देखनी है कि जेड़ा झूठ और फराडबाजी बंदा करता है वो हुकूमत नहीं चला सकता सही तरीके नाल क्यों सारियां नूं पता है कि झूठे ना बोलिया नवाज शरीफ गया तो की झूठ बोल के नहीं गया एक बार ये जदों बीमार होंगे ने इन्होंने उत्ते केस होंगे ने उदों ही बीमार हो जाते हैं इस तो पहले मुशरफ दौर भी भजे है हूँ भी भजे है मकसद है कि इन्होंने उत्ते केस ने पैसा बचाने की खातर भजते हैं इस तो पहले शहबाज शरीफ तो शहबाज शरीफ जी कभी कमर नहीं सीधी हुई जो अदालत च जाता सी कमर दर्द होंगी सी तो जो वो दूसरा जाता सी इधर असैम्बली च वह आता सी मेरी कमर दर्द है हूँ कमर दर्द ही कितने हूँ भजा फिर असैम्बली च इसाकदार उधर लंदन च बैठा भजा फिर नवाज शरीफ उधर ठीक ठाक है जो कैमरामैन आते हैं तो उदू नवाज शरीफ मरीज मरीज बन जाता है कि मैं बीमार हाँ उदू बीमारी कितने जाती है मरियम नवाज कहती है कि मैं टैक्सी बड़ा देनी हाँ तो दूसरी चीज तो टैक्स कहना देनी है जो तू कहनी मेरी जायदाद ही नहीं हैगी एक साइड से कहती है मेरी जायदाद नहीं हैगी दूजी साइड से कहती अभी टैक्सी बड़ा देने वो टैक्स कि वजह से देंगे जे इस तरह ही दूसरे लोग झूठ बोलते हैं कि इन्हों कही होने ये बड़े बेईमान कुत्ते बंदे ने इन्होंने तो की लगता कि दीन के उत्ते इमरान खान ने जिन्ना काम किया वा कि इस्लामोफोबिया के उत्ते 15 मार्च का दिन एक पूरी दुनिया च मनाया जाएगा कि जिद उ कि एक नाम होगा कि इमरान खान ने यह दिन मनाया से तुम्हें कैसा फील हों कि नबी पाक सल्लम की हुरमत के उत्ते अपनी जान देने को तैयार बिल्कुल इंशाला उन्हें गल जी की सही की है और शायद इस तो पहले भुट्टो तो बाद अगर कोई शख्स है ना जिन्हें ऐसा अकवामे मुतहदा दे खलो के इन्नी गल की हो भुट्टो सी उस तो बाद इमरान खान है इन्हें डट के गल की है तो अंग्रेजा लोगों यूरोपियन कंट्री वाले अखा खुल गई ने कि वाकई भी कोई गल करने वाला बंदा आ गया कोई यह नहीं है कि पैरी पैन वाला बंदा है ये डट के खलोण वाला बंदा है और इंशाला ये डट के खलोएगा भी खड़े डट के बिल्कुल इंशाला डट के खलोते हैं मौत एक दिन होनी ही होनी है मेरे कई ने कहा जी कि एक घर वाले ही सीधी गल घर वाले ही कहता कि खतरा बड़ा जाओ ना मैं कह मरना तो कल भी अज मर जाओ की फिर आहो मरना तो एक दिन है वे गोनवास गोनवास चल मरियम का पापा मरना मरियम का पापा जोर है।
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।